सिंगरौली में नकली सोने को असली बताकर कम दामों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है इन आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मोरवा पुलिस ने ठग गिरोह के 5 आरोपियों के साथ एक सुनार को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी द्वारा गठित टीम ने आरोपियों को उस समय धर दबोचा जब एक व्यक्ति को ठगने के फिराक में थे। एक व्यक्ति इंद्रजीत सिंह को रामदास साहू ने बताया कि गोरबी खदान में लेबरों को कार्य के दौरान 12 सोने के बिस्किट मिले हैं। वो हर एक बिस्किट 1.5 लाख में दे रहा है। जिसके बाद आरोपी रामदास की बातों में आकर इंद्रजीत ने 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। अगले दिन ठगी के इंतजार में बैठे आरोपी उससे रेलवे स्टेशन पर मिले और गोरबी के समीप जंगलों में ले गए, जहां पूरे पैसे ना होने पर प्रार्थी के पास रखे 20,000 भी छीन लिए। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी इतने शातिर हैं कि इनके खिलाफ जिले के कई थानों में मामला दर्ज है। ये आरोपी ऐसे ही कई घटनाएं कर चुके हैं। थाना मोरवा अंतर्गत हमने एक अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें प्रार्थी ने आकर बताया कि गोरबी की खदान के अंतर्गत एक मजदूर ने उसे बताया कि उसे 4 से 5 बिस्किट सोने के मिले हैं, जिसे अगर वो चाहे तो खरीद सकता है। प्रार्थी इस लालच में आ गया और उसने उस सोने के बिस्किट को खरीदने के लिए कुछ पैसे लेकर जंगल की तरफ गया। जंगल में 5 लोग उसे मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये जो गोल्ड की बिस्किट है उसका थोड़ा सा पार्ट काट कर उसे देते हैं, जिसकी तस्दीक कराने वो सुनार के पास जाता है और सुनार उसे कन्फर्म करके बताता है कि हाँ ये सोना ही है। चूंकि वो इस को इस कलाबाजी के साथ काटते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है कि गोल्ड का ओरिजिनल टुकड़ा उन्होंने अलग से जोड़ा हुआ था। इसके बाद वो उससे और पैसे मांगते हैं और जंगल में जब वो 30,000 रुपए लेकर जाता है तो उससे वो पैसे छुड़ा लेते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं हमारे सामने आ रही थी और यूपी के संबंधित जिलों में भी हमारी बात हुई, वहां पर भी ऐसी चर्चाएं हमारे सामने आ रही थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।